जय श्री महाकाल। मैं आचार्य रंजना। हमारे देश में सबसे ज़्यादा, हमारे देश में और बाकी देशों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में ये चीज़ फैल रही है क्या कि हस्बैंड हो तो एक नहीं पता नहीं कितनी औरतों के साथ लगे रहते हैं, उनके घर में उनकी वाइफ डिस्टर्ब होती हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, फ्यूचर डिस्टर्ब होता है, और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हम वुमेंस डे वाले दिन एक वीडियो बनाएं और जिसमें आप सभी लोगों की, स्पेशल औरतों की हेल्प हो। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने एक वीडियो आप लोगों से पहले शेयर की थी जिसमें हमने ये उपाय किया था कि हम कैसे अपने शत्रुओं और अपनी सौतन से पीछे छुड़ा सके। लेकिन कुछ ही दिन पहले एक कमेंट आया और उस कमेंट में लिखा था, मैम अगर सौतन एक नहीं अनेक हो तो क्या करें। अब देखिए, एक हो या अनेक हो, दुख वाली बात तो है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, अपने पति का प्यार वापस पा सकते हैं, अपने पति को कैसे दूसरी औरतों के पास जाने से रोक सकते हैं, पराई स्त्रियों से कैसे रोक सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले शुक्रवार के दिन 9 पान के पत्ते लेने हैं। शुक्रवार के दिन 9 पान के पत्ते लेने हैं। उन 9 पान के पत्तों को आपने 9 दिन तक रेगुलर ये उपाय करना है। तो 9 से 9 आपको हर दिन 9 पान के नए पत्ते चाहिए होंगे, ठीक है। जब आप पहले दिन करेंगे शुक्रवार को ये उपाय, आप शुक्रवार को किसी भी समय ये उपाय कीजिए, शुक्रवार के दिन आप 9 पत्ते लेके आइए और उन 9 पत्तों पे आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। सिंदूर में सिर्फ पानी मिलाना है, सिंदूर में कुछ नहीं मिलाना, किसी मार्कर से नहीं लिखना, किसी पेन से नहीं लिखना, लिखना है सिंदूर से ही लिखना है। और वो सिंदूर सबसे पहले आपने पार्वती माता को चढ़ाना है, उसके बाद उस सिंदूर का आपने उपयोग करना है। उस पत्ते पर 9 पत्ते थे, 9 के 9 पत्ते पे आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है उस पत्तों पर। 9 पत्तों पे लिखने के बाद मैं इस वीडियो में एक मंत्र शेयर कर रही हूँ, कम से कम 108 बार आपने उस मंत्र का जाप करना है, उन पत्तों को अपने हाथ में रख के और मस्तिष्क टच करना है लास्ट में, उसके बाद आपने उन पत्तों को रख देना है। सेम प्रक्रिया शुक्रवार से लेके शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने ये उपाय 8 दिन तक करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, सभी दिन नए पत्ते लाए जाएंगे, 8वें दिन शनिवार होगा दोस्तों। तो 8वें दिन आपने क्या करना है, उन सभी पत्तों को लेके घर से कहीं दूर जाइएगा और किसी ऐसी जगह पे घर से थोड़ा दूर जाइएगा। घर से दूर जाने के बाद इन सभी पत्तों पे अपने हस्बैंड का नाम बोलते हुए फूंक मारते हुए उन पत्तों को फेंक देना है। सभी पत्तों को ये आपने उपाय करना है, सभी पत्तों को फेंक देना है। और ये उपाय हमारा 9 दिन का रेगुलर है। आपने एक दिन करके नेक्स्ट डे उपाय करना नहीं है, मतलब पत्तों को फेंकना नहीं है, आपने 8वें दिन करना है ये उपाय। स्पेशली जो आदमी एक नहीं अनेक जगह लगे हुए हैं, या एक जगह लग के भी बहुत टाइम से उनका हो गया और वो पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, हमें लगता है कि मतलब किसी ने हमारे हस्बैंड पे कुछ करा दिया या ऐसा वैसा है। कई बार ग्रह ही ऐसे होते हैं कुंडली में, पंचम हाउस इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कुछ लोगों का कि वो चीज़ें हमारी शादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये उपाय अच्छे से और बिल्कुल दिल से फॉलो कीजिए। और कोई भी, अगर आपको लगता है कोई आपकी क्वारीज है, कुछ भी है, आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा 7419813456 है। 12:30 से 7:30 के बीच में कभी भी कॉल करके कैसी भी इंक्वायरी आप अपनी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और मैं उन लोगों से सबसे क्षमा चाहूंगी जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाती, मैसेज के रिप्लाई नहीं दे पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं। कभी मैं 7 बजे, कभी 9 बजे, इस हिसाब से अपना फ़ोन भी बंद कर देती हूँ। तो मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी उपाय फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। जय श्री महाकाल।